हाय फ्रेंड, मैं शेफ कॉर्नेलियस एक नवा दाल का रेसिपी लेकर कैटरिंग में भी सेम यही रेसिपी यूज़ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाफ कप तूर दाल मैंने लिया, और हाफ कप मूंग दाल पानी में 3-4 बार इसको धोएंगे जब तक इसका पानी एकदम क्लियर ना देखे। अभी एकदम साफ हो गया, इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख। 10 मिनट के बाद अभी इसको हम कुकर में पकाएंगे। ये 3 सीटी में बराबर पक जाएगा। हम इसमें 2 से 2.5 कप पानी डालेंगे। एक टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसको बंद करके 3 सीटी तक इसको पकाएंगे। 3 सीटी के बाद हम देखते हैं दाल कैसे पके। बढ़िया पक गया, सब मैश हो गया बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब तड़का की तैयारी करते हैं। 1 टमाटर, 1 अनियन कांदा, धनिया, करी पत्ता, 1 इंच अदरक, 12 लहसुन और 5 मिर्ची, सबको चॉप कर लिए एकदम फाइनली चॉप। अब एक पैन लेते हैं, उसमें डालते हैं 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी डाल दिया। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। 1/2 चाय चम्मच राई, 1/2 चाय चम्मच जीरा, 2 चम्मच देखिए अभी जीरा और राई दोनों तैयार हो गया। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच अदरक, करी पत्ता, सबको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा टाइम भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अनियन कांदा, इसको फिर अच्छे से भूनेंगे थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक। फिर डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटो, इसमें हम डालेंगे अभी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चाय का चम्मच। आप यहाँ पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो, मैंने पूरा घी इस्तेमाल किया हो। आप डालेंगे बारीक कटा हुआ मिर्ची, इसी में हम अभी मिक्स करेंगे उबला हुआ दाल। मसाले के साथ अच्छा से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी, 1 बॉयल आने देंगे। उसके बाद डालेंगे हम हरा धनिया चॉप, अब हम तैयार करेंगे डबल तड़का का। 1/2 चम्मच जीरा, 2 मिर्ची और राई 1/2 चम्मच, घी 2 टेबलस्पून। अब मिर्ची को अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा ब्राउन कलर करेंगे, रोस्ट होने दें। रोस्ट होने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन ब्राउन होने के बाद डालेंगे जीरा और राई। को लाइक और शेयर कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून मिर्ची पाउडर, इसको भूनेंगे। तड़का रेडी। कमेंट कीजिए, अगर आप पहले टाइम चैनल पे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। गार्निश के लिए मिर्ची और धनिया, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। पूरा टाइम चैनल में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद।